हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रेखा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। सर्दियां शुरू होते ही तब हमारे बालों की भी प्रॉब्लम होती है, और सर्दियां ख़त्म होने के बाद जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसकी वजह से बालों में ड्राइनेस आ जाती है, बालों को झड़ना स्टार्ट हो जाता है। समस्या तब हो जाती है जब हमारे बाल झड़ रहे हैं और नए बाल नहीं आ रहे हैं। नए बाल आ रहे हैं लेकिन जैसे कि हमारे 100 बाल झड़ गए और 100 बाल झड़ने के बाद हमारे 50 बाल आए, मतलब कम क्वांटिटी में आए बाल, और उसके बाद भी जो बाल आ रहे हैं उनका विकास नहीं हो रहा है, वो ढंग से बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं से आपको जूझना ना पड़े, इसके लिए आज मैं एक ऐसी रेमेडी बनाऊंगी जिससे आपके बालों की ड्राइनेस दूर हो जाएगी, आपके जो बाल झड़ रहे हैं और जो नए बाल नहीं आ पा रहे हैं वो भी इससे आपके बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको हफ्ते में इसको 2 बार लगाना है, लेकिन आपको इसको 1 महीना जरूर लगाना है, तभी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए कोई भी देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हम लेंगे 2 चम्मच मेथी दाना। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मेथी दाना लिया है, और मैं 2 चम्मच ही चावल लूँगी। तो 1 चम्मच मैंने डाल दिया और 1 चम्मच और डालूंगी। तो मैंने 2 चम्मच चावल लिए हैं, और दोनों को मैं अच्छे से धो के साफ कर लूंगी। उसके बाद इसमें जितना पानी आप ये डूब जाए उतना पानी मैंने इसमें डाल के इसे रात भर के लिए सोख करने के लिए रख दूंगी। तो दोनों चीज़ अच्छे से डूब गई हैं, इतना पानी हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, कि फिर अगली सुबह हम पीसेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पतला हमारा हेयर मास्क बन जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने रात में जो मेथी और चावल को सोख करके रखा था वो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो ये देखिए, मेथी हमारे बालों को स्ट्रांग और हेल्थी बनाती है, लंबा घना काला बनाती है, और चावल बालों को पोषण देते हैं, साथ ही बालों को सिल्की साथ स्मूथ भी बनाते हैं। और मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया है। अंडा प्रोटीन का स्रोत होता है जो हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं, साथ ही बालों को सिल्की शाइनी बनाते हैं। एक पूरा अंडा लिया है, और मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच लूँगी दही, क्योंकि बालों में कई बार रूसी हो जाती है, तो रूसी को भी दही सही करता है और बालों को घना बनाता है। तो यहाँ पर जितने आपके पास दही हो 2-3 चम्मच वो दही आप इसमें डाल लीजिए, और इन सबको हमको क्या करना है, मिक्सर में ग्राइंड करना, अच्छे से इनको पीसना है, सारी चीज़ों को अच्छे से डाल के महीन पेस्ट बनाना है। ये देखिए, इस तरह से ये फाइन पेस्ट बन गया, मैंने अच्छे से पीस लिया, तो इसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके बालों की लंबाई के हिसाब से इसे पतला और गाढ़ा बना सकते हैं। जैसे आपके बाल छोटे हैं तो थोड़ा सा थिक बनाइए, और अगर आपके बाल लंबे हैं तो इसे थोड़ा सा पतला रख सकते हैं, क्योंकि छोटे बालों में ये टपकने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने इस इतनी थिकनेस इसकी बनाई है, तो मैं आपको अप्लाई करके अभी दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारा हेयर मास्क बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपके बालों में तेल लगा है तब भी आप इसे लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा है तब भी इसे लगा सकते हैं। अगर आप इसमें और ज़्यादा तेल लगा डाल के लगाना चाहते हैं तो इसमें आप तेल भी डाल सकते हैं, और इसे आप पूरे बालों में, जड़ों में, पूरे बालों में लगाइए। इस हेयर मास्क को आप हफ्ते में 2 दिन लगा लीजिए, अगर आपका थोड़ा सा बच जाता है तो 2 दिन बाद लगा लीजिए, और इससे ज़्यादा आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। आप इसे 30 दिन लगा लेंगे ना तो आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। एक मैं ये नहीं कहूँगी कि अब बस आपने 2-3 बार लगाया तो आपके बालों का झड़ना रुक गया, थोड़ा सा आपको 1-2 महीने लगाना पड़ेगा, आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, जो आपके रूखे सूखे ड्राई बाल हैं वो भी इससे सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे, और आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या आपके, मैंने जड़ों में लगा लिया और इस तरह से मैं अपने पूरे बालों में भी लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पूरे बालों में लगा लिया, जड़ों से लेके पूरे टिप तक, और 1 घंटे इसे आप लगा के रखिए, और 1 घंटे बाद किसी भी शैम्पू से वॉश कर लीजिए। जो मैंने ये हेयर मास्क लगाया है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप सबसे पहले ऑयलिंग कीजिए बालों में, उसके बाद ही इस हेयर मास्क को अप्लाई कीजिए। तो यही कहना चाहूँगी, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बालों की समस्या है, तो आप सबसे पहले ऑयलिंग कीजिए अच्छे से, रात को ओवरनाइट ऑयलिंग करके अगली सुबह इस हेयर मास्क को
लगाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।